तो हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त हरविंदर और आप देख रहे हैं आपका अपने चैनल हरविंदर गेमिंग। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि रियल क्रिकेट 22 गेम को आप 3GB या फिर 2GB रैम के अंदर डाउनलोड कैसे कर पाएंगे, क्या ये जो गेम है डाउनलोड करने के बाद वर्क करेगा, इंस्टॉल होगा नहीं होगा, एंड साथ में आपको बताऊँगा कि ये जो गेम है वो एप्पल स्टोर यानी कि iOS में कब तक देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो मैं तक मिलेगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। तो फाइनली कर लेते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि iOS में यानी कि ऐप स्टोर के अंदर ये जो गेम है वो कब तक आएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि ऐप स्टोर के अंदर जो ऐप स्टोर होता है उसकी पॉलिसी है कि वो जो भी गेम बीटा वर्जन में आता है उसको वहाँ पर जब वो अर्ली एक्सेस को एक्सेप्ट नहीं करता है, यानी कि जब तक गेम बीटा वर्जन में रहेगा, जब तक गेम यहाँ पे अर्ली एक्सेस में रहेगा, आपको गेम ऐप स्टोर के ऊपर देखने को नहीं मिलने वाला। तो जैसे इसका फुल वर्जन आएगा वैसे ही आपको ये जो गेम है वो देखने को मिल जाएगा ऐप स्टोर के अंदर और iOS के अंदर। अभी सिर्फ आपको वेट करना है, जैसे इसका फुल वर्जन लॉन्च होगा तो अब फुल वर्जन लॉन्च होने में अभी थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि गेम के अंदर अभी देखिए सर्वर वगैरह में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है एंड और भी काफ़ी ज़्यादा बग्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी जो भी यूजर्स टेस्ट कर रहे हैं ये एक टेस्टिंग वर्जन के, यहाँ पर सभी यूजर्स को एंड्रॉयड जिनके पास एंड्रॉयड वर्जन अच्छा 4GB रैम का फ़ोन है उन्हीं के अंदर ये जो गेम है वो अच्छे से वर्क कर रहा है। बाकी देखिए अच्छे से वर्क तो कर रहा है लेकिन देखिए कभी कभी सर्वर इशू आ रहा है, कभी कभी लॉगिन नहीं हो रहा गेम एंड और भी काफ़ी ज़्यादा बग्स क्रिएट हो रहे हैं। तो अभी फुल वर्जन को आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो जैसे यहाँ पर ये जो गेम है वो अर्ली एक्सेस से बाहर आएगा, बीटा वर्जन से बाहर आएगा, फुल वर्जन लॉन्च होगा तो वैसे ही आपको ये जो गेम है वो iOS के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब हम आपको ये बता देते हैं कि ये जो गेम है वो 2GB और 3GB रैम के अंदर कैसे डाउनलोड करें। अभी देखिए इसको यहाँ पर जो लॉन्च किया गया ये जो गेम है वो लॉन्च किया गया सिर्फ और सिर्फ 4GB से लेकर और उससे ऊपर जो भी डिवाइसेज है 6, 8, 12 जो भी यहाँ पर रैम के डिवाइसेज हैं उनके अंदर ये जो गेम है वो वर्क कर रहा है। 4GB से जो भी नीचे हैं 3GB 2GB या फिर 1GB जो भी यहाँ पर होते हैं फ़ोन जितने भी रैम के डिवाइसेज के होते हैं उनके अंदर ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। अभी देखिए यूट्यूब के ऊपर आप वीडियोज़ देखते हैं कि कैसे डाउनलोड करें, वो आपको कोई किसी का लिंक दे देता है कोई मीडिया फायर का लिंक दे देता है, उसको आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि कंपनी ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूर से सोचे कि खासकर 3GB रैम के लिए, तो 3GB रैम में हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर में कभी या हो सकता है कि 3GB रैम के अंदर ये जो गेम है वो वर्क कर जाए। कंपनी ऑप्टिमाइज़ कर रही है गेम को, हो सकता है एंड ऑप्टिमाइज़ करेंगे क्योंकि देखिए 3GB रैम के अच्छे खासे यूजर्स देखने को मिल जाते हैं, अच्छे खासा वहाँ पर फ़ोन भी देखने को मिल जाता है। 3GB रैम का फ़ोन अच्छा फ़ोन होता है तो उसके अंदर ऑप्टिमाइज़ करने के सोचेंगे कंपनी आने वाले टाइम के अंदर, लेकिन अभी फ़िलहाल तो सिर्फ और सिर्फ आप वेट ही कर सकते हैं। और 2GB वाले तो अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारे फ़ोन में ये जो गेम है वो ऑप्टिमाइज़ होकर चल जाएगा। 2GB रैम के अंदर बिल्कुल भी यहाँ पर ये जो गेम है वो सपोर्ट नहीं करने वाला है और 3GB रैम के अंदर भी ज़्यादा चांस नहीं है कि सपोर्ट करे। देखिए यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर कन्फर्म नहीं है कि हो सकता है कि 3GB रैम के अंदर ये जो गेम है वो आने वाले टाइम के अंदर ऑप्टिमाइज़ करके आपको दे दे कंपनी वाले, लेकिन अभी तक तो यही न्यूज़ है कि 3GB रैम के अंदर बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट कर रहा है। जहाँ से भी आप डाउनलोड करेंगे वहाँ पर डाउनलोड तो हो जाएगा लेकिन उसके बाद जैसे आप इंस्टॉल करने जाएंगे वहाँ पर आपको दिखाएगा पार्सिंग एरर आपको दिखा देगा और साथ में दिखा देगा कि APK नॉट इंस्टॉल्ड ऐसे करके आपको दिखा देगा। तो सिंपली अभी आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी कहीं से भी कुछ भी डाउनलोड नहीं करना है। जिसके पास 2GB या फिर 3GB जो भी रैम है तो आने वाले टाइम के अंदर कंपनी जब वो ऑप्टिमाइज़ करने की सोचेगी, कंपनी ऑप्टिमाइज़ करके आपको जरूर से देगी 3GB यूजर्स के लिए। 2GB यूजर्स के लिए ये जो है वो अच्छी न्यूज़ नहीं है कि वो आपके फ़ोन के अंदर ये जो गेम है वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करने वाला है। तो आने वाले टाइम के अंदर जरूर से जरूर कंपनी ऑप्टिमाइज़ करेगी गेम को। तो आज की इस वीडियो कहीं पर खत्म कर लेते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बोल लगे डिसलाइक मार देना। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।